वेलकम स्टूडेंट, आज हमारा एक नया लेक्चर है वो स्टार्ट होने वाला है, नया चैप्टर भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। और जो चैप्टर है उसका नाम है ट्राइबल दिकूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। और ये लेक्चर फर्स्ट है हमारा, क्लास 8th की हिस्ट्री जो है हम कवर कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो टारगेट ऑडियंस कौन सी है हमारी? जो क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं जो कि अफिलेटेड है जेके बोस के साथ और CBSE के साथ, ये लेक्चर उनके लिए है। ये मेरी प्रोफाइल है यहाँ पे, ये आपको ऑलरेडी पता ही है, आई एम ए सोशल साइंस एक्सपर्ट, टीचर ट्रेनर भी रह चुका हूँ, रिसोर्स पर्सन भी, आई एम ऑल्सो सिविल सर्विस एजुकेटर और ब्लॉगिंग भी मैं करता हूँ। ठीक है, ओके, तो कॉन्सेप्ट कौन से हमारे? आज हमारा जो लेक्चर एक्चुअली इट इज इंट्रोडक्टरी, दैट मीन्स कि हम सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे और थोड़ा बहुत जो है बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर जो है वो हमें ट्राइबल के साथ ही, जो चैप्टर हमारा पूरा वो ट्राइबल के साथ ही रिलेटेड है, तो हमें ट्राइबल के बारे में पढ़ना है। तो ट्राइबल के जो लीडर थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और इंट्रो पढ़ेंगे थोड़ा यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। ओके, 1895 में एक बंदा था जिसका नाम था बिरसा मुंडा, इसका एक्चुअली पूरा नाम था। ठीक है, तो लोगों ने उसको वहाँ पे घूमते हुए देखा, रोमिंग करते हुए देखा फॉरेस्ट्स में, विलेजेस में, जो कि एरिया था छोटा नागपुर का वहाँ पे। तो ये बंदा वहाँ पे घूम रहा था, तो लोगों ने कहा उस टाइम पे, कहा कि इस बंदे के पास जो है चमत्कारी पावर्स हैं, मिराकुलस पावर्स हैं इसके पास, और ये सारी जितनी भी डिजीजेज हैं उनको ये क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है, और हमारे जो ग्रेन्स हैं उनको ये मल्टीप्लाई कर सकता है, दैट मीन्स हमारे जो क्रॉप्स है उसको ये मल्टीप्लाई कर सकता है। लोगों को ये विश्वास था उस टाइम पे कि इसके पास कोई चमत्कारी पावर्स हैं। बिरसा ने उस टाइम पे ये डिक्लेयर किया और ये कहा कि मैं भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से अपॉइंटेड बंदा हूँ यहाँ पे, जो आप लोगों को आपकी परेशानियों से क्या कर सकता है, आज़ाद कर सकता है, सेव कर सकता है। और जो आप लोग गुलाम बने हुए हो दिकूज के, दिकूज उस टाइम पे वो कहते थे आउटसाइडर्स को, जो ट्राइबल्स थे वो दिकूज कहते थे आउटसाइडर को, दैट मीन्स कि जो ट्राइबल एरिया से बाहर से लोग आते थे उनको दिकूज के नाम से पुकारा जाता था। तो इसने ये भी कहा कि आप जो स्लेव बने हुए दिकूज के, मैं आपको उनकी स्लेवरी से भी आज़ाद करवाऊंगा, उनकी गुलामी से भी आज़ाद करवाऊंगा। तो जैसे ही ये बात जो है बाहर गई, तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो बिरसा मुंडा को फॉलो करने लग पड़े और उन्होंने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि बिरसा मुंडा जो है वो एक भगवान है और वो हमारी मदद के लिए यहाँ पे आया, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया है। लोगों ने ये जो है बिलीव करना उस टाइम पे शुरू कर दिया। सो अब देखते हैं हम बिरसा मुंडा कौन था। एक्चुअली बिरसा मुंडा जो था वो एक फैमिली में बॉर्न हुआ था और वो फैमिली जो थी वो मुंडा फैमिली थी, दैट मीन्स कि ये भी एक ट्राइब थी, मुंडा एक ट्राइब थी, ठीक है, जो कि छोटा नागपुर एरिया में थी वहाँ पे। खुद तो ये मुंडा ट्राइब का था वहाँ पे, जो बिरसा मुंडा था ये एक मुंडा ट्राइब को बिलोंग करता था, लेकिन इसके जो फॉलोअर्स थे वो संथाल्स भी थे और ओरांस भी थे। अब आप कहेंगे ये संथाल्स और ओरान कहाँ से आ गए? ये जो संथाल्स और ओरान थे, जिस तरह मुंडा एक ट्राइब थी उसी तरह संथाल्स और ओरान जो थे वो भी एक ट्राइबल, जो ट्राइबल पीपल थे वो भी ट्राइब को बिलोंग करते थे, ये भी ट्राइब थी वहाँ पे। तो इसके जो लोग थे इस ट्राइब के, जो संथाल्स और ओरान थे, वो भी बिरसा मुंडा को फॉलो करने लग पड़े। क्यों फॉलो करने लग पड़े? क्योंकि जितने भी ट्राइबल लोग थे उनकी सबकी एक ही प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी दिकूज जो आउटसाइडर थे, आउटसाइडर वो कहते थे वहाँ पे जो कि बाकी लोग वहाँ पे आते थे, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको थी वो थी अंग्रेजों से उनको प्रॉब्लम, क्योंकि अंग्रेजों ने उस टाइम पे बहुत सारे चेंज उस टाइम पे लाए थे फॉरेस्ट लॉज में, जिससे उनकी जिंदगी जो है वो बहुत ही जहन्नम बन चुकी थी, नाखुश थे वो उनके लॉज से, कि वो एक्चुअली वो कह रहे थे, ट्राइबल्स कह रहे थे कि ये जो ऑफिशियल्स हैं ये हमारी लाइफ में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे ट्राइबल एरिया में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे जिस एरिया में रहते थे वो काफ़ी उसको मानते थे उस एरिया को, और वो कहते थे कि यहाँ पे कोई भी जो बाकी जो है आउटसाइडर है, दिकूज है, वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और जिसकी वजह से जो अंग्रेज थे वो जो जब उन्होंने उनकी लाइफ में जो है इंटरफेयर करना शुरू कर दिया थ्रू लॉज, कुछ लॉज उन्होंने बनाए जिसकी वजह से वो जो लोग थे वो बहुत ही नाखुश थे, इसलिए उन्होंने क्या किया काम, उन्होंने बिरसा मुंडा को फॉलो करना शुरू कर दिया और बिरसा मुंडा उनका लीडर बन गया। अब जो चैप्टर है उसमें हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है, सिंपल में हम वो देखते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे देखें कि जो बिरसा मुंडा था वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है, और जिन आउटसाइडर्स की हम बात कर रहे हैं एज दिकूज वो कौन थे, और उन्होंने वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो रीजन था उनको कैसे एनस्लेव करके रखा था, कैसे उन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ था, ठीक है, और जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के अंडर जो ट्राइबल लोग थे उनकी जिंदगियों के साथ एक्चुअल में हो क्या रहा था, क्या प्रॉब्लम्स थी जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इन ट्राइबल लोगों के लिए खड़ी कर दी थी उस टाइम पे, और उनकी जो जिंदगियां थी वो कैसे चेंज हो गई थी, ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे जो है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है।
तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे फिनिश करते हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ट्राइबल थे और ये दिकूस थे, इनका आपस में क्या रिलेशन था, ये कैसे सब चेंजेस आए वहाँ पे, बिरसा मुंडा ने ये कैसे सब चीज़ें की और कैसे वो लीडर वहाँ पे बन गया। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।